नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पर। और आज की वीडियो में दोस्तों जो मैच आपके लिए कवर करने जा रहे हैं वो मैच है दोस्तों बिहार वुमेन वर्सेस अरुणाचल वुमेन, अरुणाचल प्रदेश वुमेन के बीच में खेला जाने वाला पहला वुमेन सीनियर वनडे ट्रॉफी का मुकाबला। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस मुकाबले में कुछ ऐसे लो सेलेक्शन प्लेयर हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। लेकिन मैं आपको वीडियो के अंदर जब स्टैट्स बताऊंगा ना तो आप पता लगा पाएंगे कौन सा प्लेयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा स्मॉल लीग के लिए और कौन सा प्लेयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ग्रैंड लीग के लिए। तो ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी इस मुकाबले से अच्छा खासा प्रॉफिट करना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है और अंत तक देखना है। इसके अलावा मैं बता दूँ, जो भी भाई लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हों, पहली बार मेरे चैनल की वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो ये बात वो जान ले कि जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी किसी भी मैच की, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी बिल्कुल फ्री में। मैं वहाँ पर आपको 100% हर चीज़ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ और बिल्कुल परफेक्ट प्रोवाइड कराता हूँ। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी, तो दोनों जगह से जाकर आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ सकते हो। और अगर लिंक वर्क ना करें तो कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। और अभी के समय हमारे चैनल पर 7,000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं और वो रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर और भी प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब चलते हैं नोट्स की ओर जहाँ पर आपको दोनों टीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा बिहार वुमेन की, तो उनकी ओर से देखिए, तो इनकी ओर से देखिए बिहार वुमेन की ओर से पहला नाम आएगा आपके लिए दोस्तों विशालक्षी विवेकानंद सुमन का। 4 मैचेस में 117 रन इन्होंने बनाए हैं, तो ऐसा बैट्समैन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये ओडीआई मैच है तो इसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं। श्रुति संजय गुप्ता विकेट कीपर हैं, ऑलमोस्ट टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी के लिए आ सकती हैं। इनके दोस्तों 5 मैचेस में आप देख सकते हैं 114 रन हैं। अपूर्व मनोज कुमारी की मैं बात करूँ तो इनके 6 मैचेस में 183 रन हैं, 2 विकेट हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आएंगे प्रगति ओम अंशु सिंह, इन्होंने 4 मैचेस में 56 रन 4 विकेट निकाले हैं। वेदशी राकेश यादव की मैं बात करूँ तो 2 मैचेस में 23 रन है, 2 विकेट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आती हैं प्रीति चंद सेवर कुमारी, 4 मैचेस में 161 रन है इनके नाम। अन्नू कुमारी की बात की जाए दोस्तों तो 22 मैचेस में 166 रन है और 33 विकेट हैं। अंशु के पी गुप्ता अपूर्व की मैं बात करूँ कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। प्रीति बालकृष्ण की बात करूं झारखंड अंडर 19 के लिए खेलती हैं, 11 मैचेस में 10 रन है और 1 विकेट है। इसके अलावा पूजा नरेश कुमार की बात की जाए तो 1 मैच में 1 विकेट इनके नाम भी है। और यहां पे निवेदिता मनोज भारती की मैं बात करूं तो 3 मैच में इनके नाम देख सकते हैं अच्छी खासे 1 विकेट है, 1 विकेट इनके नाम है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स रहेंगी ना बिहार वुमेन की ओर से वो देखिए आपके सामने हो सकते हैं विशालक्षी विवेकानंद सुमन, श्रुति संजय गुप्ता इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, उसके अलावा प्रीति आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, अनु कुमारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर अनु कुमारी। इसके अलावा मुझे इनकी ओर से और कोई प्लेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है जिसको आप लोग अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। अब बात कर ली चाहे अरुणाचल प्रदेश वुमेन की तो उनकी ओर से पहला नाम आएगा मैक का, जिन्होंने 5 मैचेस में 34 रन 1 विकेट निकाला है। नबुम यापू ने 6 मैचेस में 152 रन 4 विकेट निकाले हैं। कैंग पेरमे ने यहाँ पर 2 मैचेस में 448 रन बनाए हैं, यहाँ पे दोस्तों 2 मैचेस में 448 रन बनाए हैं। रूना सरकार की मैं बात करूँ तो 5 मैचेस में इन्होंने 23 रन 1 विकेट निकाला है। जुम्मनगम बसर इनका भी रिकॉर्ड दोस्तों मुझे मिला नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे इनके बारे में कोई भी जानकारियाँ पता चलेंगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा। अभी तब हम तदिक की मैं बात करूँ तो 4 मैचेस में 21 रन इनके नाम है। तदर चाका की बात की जाए तो 2 मैचेस में 6 रन इनके नाम है। दईम रोबी की मैं बात करूँ तो 2 मैचेस में 9 रन इनके नाम है। यार का डोलू नबम की मैं बात करूं तो 4 मैचेस में 11 रन 4 विकेट इनके नाम है। सार्पिक ललीगू की मैं बात करूं तो 6 मैचेस में 8 रन 7 विकेट इनके नाम है। और भूमिका पटेल की मैं बात करूं तो 3 मैचेस में 4 रन 1 विकेट इनके नाम है। तो इनकी ओर से देखिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे देखिए नबम यापू मुझे इनकी ओर से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर नज़र आ रही हैं क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। इसके अलावा नीचे से आपके लिए यहाँ पे यारकर डोलू इंपॉर्टेंट रहेंगी, सार्पिक भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है 6 मैचेस में 7 विकेट इनके नाम, और भूमिका पटेल को भी आप चाहें रखना चाहें
तो अपनी टीम में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों टीम्स के प्लेयर स्टेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप चाहें यहाँ पर बिहार वुमेन टीम के जो प्लेयर्स हैं इनके स्टेट्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इनको कहीं पर जाके नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि जब आप खुद से टीम क्रिएट करें तो अब ये स्टेट्स जो हैं वो आपको हेल्प कर सकें। और यहाँ पे दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश वुमेन के स्टेट्स हैं, आप इनका भी कहीं पर जाके नोट डाउन कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर वॉल पे प्रेस कर लेना आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो चलिए चलते हैं एप्लीकेशन की ओर, जहाँ पर आपको कमाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल की एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है बल्लेबाजी एप्लीकेशन, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फैंटेसी एप्लीकेशन है। काफ़ी लोग इस एप्लीकेशन के बारे में जानते होंगे लेकिन काफ़ी लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता होगा। तो सबसे पहले अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहें तो इसका डाउनलोड लिंक मैंने आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन दोनों में दे रखा होगा। अगर वहाँ पर ना मिले तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप मेरी दी गई लिंक से इसको डाउनलोड कर देंगे तो आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ का फ्री बोनस मिलेगा, जिसको आप लोग आके यहाँ पे 100% यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज का जो मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का, वहाँ पर आप देख सकते हैं सभी मैचेस में आपका बोनस यूज़ होने वाला है, हर एक लीग में आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पे बोनस भी आकर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक काफ़ी स्पेशल लीग दी जा रही है, जहाँ पर आप लोग 10 रुपये में Redmi 9 मोबाइल को विन कर सकते हो, यहाँ पे इन्फिनिटी यानी जितनी मर्जी जाए उतनी एंट्री लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे 50% बोनस का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा जो भी मनी आप यहाँ पे विन करेंगे उसको आप पेटीएम और बैंक दोनों के अंदर विड्रॉ करा पाएंगे। पेटीएम के अंदर आपको मिनिमम 10 रुपीज़ चाहिए विड्रॉल के लिए, मिनिमम आपको 5 मिनट्स चाहिए पैसे को अपने आपके वॉलेट में आने के लिए, तो आपको इंस्टेंट विड्रॉल यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक क्लासिक टीम बना सकते हैं, एक बैटिंग टीम बना सकते हैं, एक बॉलिंग की टीम बना सकते हैं, एक रिवर्स टीम बना सकते हैं और सेकेंड इनिंग भी आकर खेल सकते हैं। और जब आप टीम क्रिएट करेंगे ना तो आपको यहाँ पर एक फीचर दिया जाता है प्लेयर इंटेलिजेंस का, इस फीचर को यूज़ करके आप लोग किसी भी प्लेयर के बारे में उसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं, वो किस पोजीशन पे आके बैटिंग करेगा, उसका स्ट्राइक रेट क्या है, उसकी फॉर्म अभी के हिसाब से कैसी चल रही है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि विकेट भी आपको बता दिया जाएगा कि किसके फेवर में रहेगा, और किसी भी प्रकार की क्रेडिट की दिक्कत आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो एक बार से ज़रूर इस एप्लीकेशन को ट्राई करके देखिएगा, यहाँ पर इन्वेस्ट करके देखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं एप्लीकेशन की ओर। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके सामने संजय गुप्ता की पिक है, जिनका रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था श्रुति संजय गुप्ता का, आप यहाँ पर अगेन देख सकते हैं आके एक बार 5 मैचेस में 114 रन हैं इनके नाम, तो काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं और टॉप ऑर्डर पर खेलना पसंद करती हैं। इसके अलावा दोस्तों आती हैं कोमल कुमारी, मुझे नहीं लगता कि इस मुकाबले में ये खेलेंगी, तो इसीलिए विकेट कीपिंग सेक्शन से एस संजय गुप्ता ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इनको अपनी टीम में पिक कर लेता हूँ, क्योंकि इनके अलावा मुझे यहाँ पर और कोई प्लेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है जिसके साथ मैं जाना चाहूँगा। बैटिंग सेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ये बेंगिया रितु हैं, आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं लेकिन खेलने के चांसेस काफ़ी कम है। बाकी यहाँ पर मैं खेलेंगी तो मैं इनको ज़रूर अपनी टीम में पिक करूँगा, टॉप ऑर्डर पर खेलेंगी। उसके अलावा विवेकानंद सुमन आपको इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसके अलावा नीचे देख सकते हैं आपके सामने कयंक प्रेमे हैं, तेजी अप्पू हैं, तेजी मेकू हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तेजी मेकू का रिकॉर्ड यहाँ पर तो इनका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आज ये भी यहाँ पे प्ले करेंगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ काफ़ी ऐसे प्लेयर्स होंगे जो इस मुकाबले को मिस करेंगे और हो सकता है कि लाइनअप का भी इशू यहाँ पे रहे, तो इन्वेस्टमेंट आपको लिमिट में करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए तरो संघ के भी खेलने के चांसेस काफ़ी कम मुझे यहाँ पर लग रहे हैं, तो अभी के लिए यहाँ पर फिलहाल देखिए मैं हो सकता है कि बिहार की ओर से किसी एक वुमेन को पिक कर लूँ अपनी टीम में, अनु कुमारी को, जिनका रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है और इनका परसेंटेज सिलेक्शन आप देखिएगा कितना कम है, देख सकते हैं 2% लोगों ने इनको पिक करके रखा और इनका रिकॉर्ड कितना ज़्यादा शानदार है, तो इसलिए यहाँ पर मैं इनको भी अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। तो ओवरऑल यहाँ पर 3 मेन बैट्समैन के साथ मैं जाने वाला हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात करूँ तो मेघा शर्मा यहाँ पर अगर आप प्ले करेंगी तो आप पिक कर लेना, अपूर्वा मनोज कुमारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों पिक आएगी नबम यापू की, मैंने आपको बताया था कितनी शानदार प्लेयर, इनका रिकॉर्ड भी मैंने आपको दिखाया था नबम यापू का, तो इसीलिए हम इनको पिक करके अपनी टीम में ज़रूर पिक करेंगे। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं 6 मैचेस में 152 रन है, 4 विकेट हैं, तो एज ऑलराउंडर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पिक निकल के आ रही है पी और मान प्रगति की, तो ये भी शायद खेलें तो आप इनको पिक कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो 4 मैन ऑलराउंडर्स थे मैंने यहाँ पर इनको अपनी टीम में पिक कर लिया 4 मैन ऑलराउंडर्स को। बात कर लेते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग सेक्शन में देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर पिक करूँगा अपनी टीम में सार्पिक लीगो को,
जिनका सिलेक्शन मुझे लगता है कि काफ़ी कम होगा, 90% है, तो काफ़ी लोगों ने इनको पिक करके रखा, यानी काफ़ी लोगों को जानकारी है इनके बारे में, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर थी। इसके अलावा दूसरा नाम आता है अंशु के पी गुप्ता पूर्वा का, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, इन्हें भी देता मनोज भारती इंपॉर्टेंट बॉलर हैं तो इनको पिक करेंगे। लास्ट बॉलिंग सेक्शन से आप चाहें तो किसी और एक डिफरेंशियल पिक को पिक कर सकते हैं, या फिर आप सेफ जाना चाहें तो यहाँ पे ऊपर की ओर जा सकते हैं यहाँ पे एक के पी गुप्ता के साथ। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर मैं वायु दोरू नबम के साथ जाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं इस मुकाबले में। तो देखिएगा टीम मैंने बैलेंस्ड बनाने की कोशिश की है, 6 प्लेयर मैंने बिहार वुमेन के लिए हैं, 5 प्लेयर मैंने एपी वुमेन के लिए हैं। कॉम्बिनेशन देखिएगा कि मैंने अपनी टीम में 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स, 3 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। टीम प्रीव्यू की अगर मैं बारे में आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पर संजय गुप्ता को रखा है, जो कि अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करेंगी और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करती हैं। बैटिंग सेक्शन से मैंने मैक को रखा है, जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगी। विवेकानंद को रखा है, ये भी आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगी। अनु कुमारी एज ऑलराउंडर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। बॉलिंग सेक्शन ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने एम शर्मा को रखा है, यानी आपको रखा है विकेट टेकर बॉलर और काफ़ी अच्छी मिडल ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी करेंगी। मनोज को मैंने पिक करके रखा है, यहाँ पर मैंने पी उमांशु को ट्राई किया है। बॉलिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पे मनोज भारती को रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लीगू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे वाई डोलू नबम को भी ट्राई किया है। तो बात कीजिए अपनी इस टीम में मैं किस प्लेयर को एज अ कैप्टन और मैं किस प्लेयर को एज अ वाइस कैप्टन पिक करके जाऊँगा। तो देखिए कैप्टन यहाँ पर काफ़ी लोग बना रहे हैं एम शर्मा को और यहाँ पर बना रहे हैं मनोज कुमारी को, लेकिन मेरे कैप्टन यहाँ पर थोड़े से रिस्की रहेंगे। मैं कैप्टन यहाँ पर बनाऊँगा नव कुमारी को, जिनका सिलेक्शन 0% है। आप चाहें तो सेफ जाना चाहें तो यहाँ पर मनोज कुमारी को यहाँ पर कैप्टन बना सकते हैं, या फिर मेगा शर्मा को बना सकते हैं। देखिए मेगा शर्मा को मैं कैप्टन रखूँगा और वाइस कैप्टन यहाँ पर मैं कुमारी को करूँगा, तो ये मेरी फाइनल टीम हो सकती है दोस्तों, अगर मेरे सभी प्लेयर्स खेलते हैं तो। तो ये एक बार मेरी इस टीम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग अगर स्मॉल लीग में यूज़ करें तो स्मॉल लीग में यूज़ करिएगा, हेड टू हेड में यूज़ करें तो हेड टू हेड में यूज़ करिएगा। और सेम इसी टीम के साथ आपको ग्रैंड लीग भी ज्वाइन कर लेनी है, लेकिन ग्रैंड लीग में आपको कैप्टन यहाँ पर एक कुमारी को करना है और वाइस कैप्टन आपको एम शर्मा या फिर किसी अनदर प्लेयर को कर लेना है। तो आप लोग हमारी इस टीम का स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू ले लें, जहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो टीम अगर आप लोग चाहते हैं आपको मिले तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी के समय हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बता दूँ 7,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना यहाँ पर दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में चले जाना। जो पहले नंबर पर कमेंट हो, जो टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया वो मेरे चैनल का लिंक रहेगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। लिंक वर्क ना करें तो कमेंट में चैनल का नहीं मिल जाएगा, जिसको सर्च करके भी आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जितने भी मैचेस हो, जहाँ भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, ऑलवेज आप विन करें हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।